Good morning, dear students. Dear students, we are doing chapter 10, Mapping India. And yesterday I have explained components of map. Okay. I have explained about first component, direction. Most maps show an arrow mark with the letter N at the top, and it means north. When you know the north, you can find out other direction, east, west, and south. There are four cardinal directions and four intermediate directions on the compass. They help us to locate the exact location of the places. Second one is scale. The actual distance on ground is shown on a reduced scale. Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. For example, the distance between Delhi and Agra is 200 kilometers. On a map, 100 kilometer may be shown as 1 centimeter, thus 2 centimeter is equal to 200 kilometer of actual distance. And third one is symbol. Symbol is not possible to show the actual size of building or roads on a map, so they are indicated by some common symbols, pictures, line, etc. You can easily read a map with the help of these symbols. Now next one jo hum discussion karne wale hain wo hai colors. To colors kya hai, to ek components kya hai hamare paas, colors bhi hain. Colors, specific colors are used to show different features of the earth. Okay, the स्पेसिफिक कलर जो होते हैं वो हम यूज़ करते हैं अर्थ में जो अलग अलग फीचर्स को हमें दिखाना होता है. अगर हमें हिल्स दिखानी है, रिवर्स दिखानी है, ठीक है, डेजर्ट दिखाना है, प्लेन दिखाना है, तो उसके लिए हम अलग अलग कलर का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ भी है, ब्लू कलर इज़ यूज्ड फॉर वाटर बॉडीज. तो वाटर बॉडीज दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ब्लू कलर का. आप देख रहे हैं यहाँ पर वाटर बॉडीज दिखाने के लिए किसका यूज़ हो रहा है, ब्लू कलर का यूज़ हो रहा है. ओके, ग्रीन कलर रिप्रेजेंट प्लेन्स. ग्रीन कलर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लेन्स को. जो प्लेन एरियाज हैं उसको दिखाने के लिए इन्होंने क्या यूज़ किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन कलर का यूज़ किया गया है. नेक्स्ट इज ब्राउन कलर इज़ यूज फॉर शोइंग हिल्स. और जो ब्राउन कलर है वो हिल्स बताने के लिए है. ठीक है, ग्रीन नहीं, ग्रीन के लिए हम यूज़ करते हैं, प्लेन को दिखाने के लिए ग्रीन यूज़ करते हैं. और जो हमारे हिल्स एरिया, हिली एरिया, उसको दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ब्राउन कलर का, आप देख सकते हैं. ओके, एंड स्नो कैप्ड पीक्स आर शोन बाय वाइट कलर. और जो स्नो हमें पीक, माउंटेन पीक्स होती हैं, ठीक है, उनको दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वाइट कलर का. इट मेक्स द रीडिंग ऑफ मैप वेरी इजी. तो इस तरीके से क्या होता है, जब हम कलर्स का यूज़ करते हैं तो हमें मैप को रीड करना आसान हो जाता है. हमें पता जाता है कि ये कौन सी जगह है, ओशंस हैं, ये प्लेन्स एरिया है, ये हमारा हिली एरियाज है, और माउंटेन्स, अगर वहाँ पे स्नो है तो पता चल जाएगा कि ये माउंटेन्स है जहाँ पर स्नो ही पड़ी है. तो इस तरीके से जो है कलर्स हेल्प करता है. देयर इज़ वन एक्टिविटी, होप यू हैव डन इट. जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था, इस एक्टिविटी को आपको कर लेना था, आपने शायद भी आपने कर लियो. ठीक है, नाउ आई विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक. इट्स अ एक्सरसाइज ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, करेक्ट ऑप्शंस हमें चूज करने यहाँ से. तो फर्स्ट है, अ हॉरिजेंटल इमेजिनरी लाइन डैट इज ड्रॉन ऑन द ग्लोब एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. सो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है प्राइम मेरिडियन, बी इक्वेटर, सी ग्रेट. तो हमें पता है कि जो नॉर्थ और साउथ पोल को बीच में से कट करती है, जिसमें से निकलती है एक इमेजिनरी लाइन, हॉरिजेंटली लाइन, हॉरिजेंटल लाइन ऐसे होती है. ठीक है, ऐसे करके, तो वो क्या है, इक्वेटर. तो राइट आंसर क्या है, बी. नेक्स्ट है, वर्टिकल इमेजिनरी लाइन ऑन द ग्लोब आर. तो वर्टिकली जो लाइन ली गई है ग्लोब के बीच में, ठीक है, वो कौन सी है. ऑप्शन है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, पैलर्स ऑफ लैटिट्यूड और इक्वेटर. पता है कि हॉरिजॉन्टली लाइन ऐसी थी, तो वर्टिकली जो अगर पैलर्स में आएंगी तो लैटिट्यूड होता है, पर ये बोल रहे हैं वर्टिकली, तो वर्टिकली में क्या है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. तो ऑप्शन ए क्या है, हमारा सही आंसर है. नेक्स्ट इज सीजन आर कॉज्ड बाय. अब सीजन क्यों होते हैं, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है.
ऑप्शंस यहाँ पर है, रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, बी रोटेशन ऑफ द सन, सी रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कैसे होता है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ के कारण ही क्या होता है, सीजन में चेंज आता है, पास होगा तो गर्मी, थोड़ा डिस्टेंस होगा तो सर्दी, ठीक है, विंटर हो जाएगा। फोर, विच डायरेक्शन इज टू योर राइट इफ यू आर फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, राइट में, तो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। तो यह हमारा ऑप्शन यहाँ पे है, ऑप्शन में है वेस्ट, बी ईस्ट, सी साउथ, तो राइट आंसर क्या है, बी ईस्ट, फाइन। नेक्स्ट है फिफ्थ, व्हाट डज अ पॉलिटिकल मैप शो, एक पॉलिटिकल मैप क्या दिखाता है, ये बता रहा है पॉलिटिकल मैप की बात चली हुई यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग तरह के मैप्स होते हैं, मैं बता चुकी हूँ। फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास है फीचर्स लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स और रिवर्स, सेकेंड रोड, रेलवेज एंड एयरलाइन और रूट्स, एयरलाइन रूट्स के बारे में, सी बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज, स्टेट एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज। तो हमें पता है क्या पॉलिटिकल मैप है, तो बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज, स्टेट एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में दिखाता है, उनके बाउंड्रीज के बारे में दिखाता है। नेक्स्ट है ब्लू कलर इन अ मैप शो, तो क्या दिखाता है, ऑप्शन में दिया है ए प्लेन लैंड, बी हिल्स, सी वाटर बॉडीज। ब्लू कलर जो है किसके बारे में दिखाता है, वाटर बॉडीज के बारे में, तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर, इसको आप टिक कर देंगे। नाउ नेक्स्ट आई विल टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, इट्स एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है हमारे पास अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड डैश, तो आई वी ऑल नो अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस, जैसे आप एटलस लिख देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट इज देयर आर डैश कार्डिनल डायरेक्शन ऑन अ कंपस, तो कितने होते हैं कार्डिनल कंपस के ऊपर, फोर, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है, फोर कार्डिनल डायरेक्शन ऑन द कंपस। नेक्स्ट वन इज थर्ड, फिल द ब्लैंक्स, मैकलिन डिड नॉट सर्वाइव द जी अराउंड द डैश, तो आंसर हमारे पास क्या है, अर्थ। फोर्थ है डैश इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑन द ग्लोब, तो कौन सा पॉइंट है, वो साउथ पोल है, साउथ पोल इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑन द ग्लोब। नेक्स्ट वन इज डे एंड नाइट ऑन द अर्थ आर कॉज्ड बाय डैश ऑफ द अर्थ, तो वी ऑल नो डे एंड नाइट ऑन द अर्थ आर कॉज बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया पूरा कि जब रोटेट करता है अर्थ तो उसे कहता है डे एंड नाइट फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज सी, मैच द फॉलोइंग्स, ठीक है, मैच द फॉलोइंग्स यहाँ पर है। फर्स्ट है मैप, तो मैप में हम क्या कंपोनेंट, मैप के कंपोनेंट्स क्या होता है, स्केल, तो वी विल मैच विद ई। नेक्स्ट वन इज ग्लोब, तो ग्लोब हम मैच करेंगे डी के साथ ग्रिड, तो ग्लोब में जब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइंस मिलती है तो क्या बनाती हैं, ग्रिड बनाती हैं, ठीक है, तो लोकेशन के बारे में बताता है और टाइम जोन के बारे में बताता है, ग्रिड हमें हेल्प करती है। नेक्स्ट है डायरेक्शंस, डायरेक्शन में कौन से डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, अब मैप चेक करेंगे डायरेक्शन में, आपको नॉर्थ मैप पे नॉर्थ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर बॉडीज, ठीक है, वाटर बॉडीज किस कलर से शो होती है, ब्लू कलर शो करता है, तो वी विल मैच विद बी। एंड फिजिकल मैप, फिजिकल मैप हमें क्या शो करता है, नेचुरल फीचर्स, नेचुरल फीचर्स में मैंने सबको बताया ये माउंटेन्स, प्लेन, रिवर्स, ये शो होता है फिजिकल मैप में। सो डियर स्टूडेंट, हियर वी हैव डन एक्सरसाइज ए बी सी, दैट्स ऑल फॉर द डे, टुमारो आई विल डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।